हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ड्राइंग में हम लोग बात कर रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर का। हीट एंड टेम्परेचर से पहले मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, मास एंड डेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम और उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं करा चुका हूँ। आप जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का अलग बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का अलग बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ आप देखिए उन सब वीडियो को और अच्छे से आप फ़ायदा उठाइए जी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, बेल आइकन भी दबा दें और ज्वाइन का बटन आ रहा है तो ज्वाइन भी लगाएं जी। अब जब भी अगर मेरा वीडियो प्रीमियम होता है तो आप उसको जो सेट रिमाइंडर है ऑन कर ले, ताकि बहुत सारे बच्चों का जो आ रहा है प्रॉब्लम की नोटिफिकेशन सही टाइम पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए है कि छोटे चैनल को थोड़ी सी दिक्कत होती है जी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सभी क्लिक कर लें, जिससे क्या हो कि आपको समय पर नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुँच जाए। जी चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते हैं जी। हमने हीट एंड टेम्परेचर में एक क्वेश्चन किया था जी। हमने बताया था जो मेन कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, उस कंसेप्ट को याद रखिएगा तो ही क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा जी। हमने क्या बताया था, फिर से मैं उसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ उस टॉपिक को जी। देखिए मेरा ए वाला टॉपिक है, इसमें मैंने क्या बोला था जी, जब भी मेरा क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा था, हीट बराबर क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 ग्राम बर्फ था, -10 डिग्री टेम्परेचर से क्या हुआ, 0 डिग्री टेम्परेचर में आया, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब 5 ग्राम पानी हो गया जी, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखिए इसमें तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्फ से क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। तो आइस से जब वाटर हुआ है तो इसमें स्टेट चेंज हुआ है, तो क्या लगाएंगे जी, एम एल लगाएंगे, इसमें लेटेंट हीट लगाएंगे एम एल। एल क्या है जी, लेटेंट हीट है, एस क्या है, इसमें स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। तो हम लोग इस तरह के आया जी, हमने बताया था एम एल कब लगाएंगे, जब स्टेट चेंज होगा। तो देखिए यहाँ भी स्टेट क्या हो रहा है, पानी से 100 डिग्री टेम्परेचर से वाष्प में बना 100 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हो रहा है, तो एम एल लगाएंगे जी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 डिग्री से क्या हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। बस अब हमको याद रखना है कि एस जो होता है कितना होता है, एल कितना होता है। तो एस और एल का अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसको हमने एक 5-6 पॉइंट आपको याद कराए थे, उस पॉइंट को याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमने क्या बताया था जी, एक जल के लिए होता है क्या होता है, एक होता है जी उष्मा धारिता, यानी एल होता है जी। एल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर बात की जाए बर्फ के लिए तो उष्मा धारिता क्या होती है, 1/2 होती है जी। ठीक है, यहाँ से देख रख सकते हैं। बात की जाए, देखिए विशिष्ट ऊष्मा है जी, विशिष्ट ऊष्मा क्या है जी, एस है, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा एस होता है जी, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1/2 है। अगर एल की बात की जाए तो एल किसके लिए होता है जी, बर्फ के लिए कितना है जी, 80 है कैलोरी पर ग्राम। देखिए हम कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलोरी वाला डेटा ही याद कर रहे हैं जी। हम उसको क्या करेंगे, हमको जब भी जूल में कन्वर्ट करना होगा तो कैलोरी किस में करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई करके करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे जी। अब देखिए जल के वाष्पन में गुप्त ऊष्मा, और जल के लिए देखिए बर्फ के लिए होता है 80, जल के लिए क्या हो जाएगा जी, 540। जल से अगर वेपर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 540। बर्फ से अगर पानी में बनेगा तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा जल की वैल्यू। तो ये हमको वैल्यू याद रखना है, और क्या हो जाएगा, हमने 2-3 पॉइंट याद रखे। इसलिए मैं इस टॉपिक को जो भी अगर समझना है जी इस लेक्चर को, तो आप लोग प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखिए और उसको समझे जी, क्योंकि 2 लेक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए जी आगे क्वेश्चन बोल रहा है, -20 डिग्री ताप पर रखे 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। देखिए अब -20 डिग्री टेम्परेचर है जी, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 5 ग्राम क्या है जी, आइस है। इसको बोल रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ले जाना है, 100 डिग्री में क्या है, वेपर में ले जाना है जी। तो परिवर्तित करने के लिए क्या होगा, देखिए अब यहाँ से माइनस है जी, आइस है, तो क्या करेंगे, 0 डिग्री पे लाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे क्या जी, आइस में लाएंगे। ठीक है जी, अब 0 डिग्री आइस से क्या करेंगे, 0 डिग्री में क्या ले जाएंगे, वाटर में ले जाएंगे जी। अब 0 डिग्री वाटर से क्या करेंगे जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ले जाएंगे, वाटर में ले जाएंगे। अब 100 डिग्री वाटर से क्या करेंगे जी, 100 डिग्री वेपर में ले जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ले जाएंगे, वेपर में ले जाएंगे। हमारा ये बना डायग्राम जी। चलिए अब बोल रहा है कि इसके लिए कितना ऊष्मा की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जी इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है, तो एम एस डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाएंगे।
ये क्या है जी, स्टेट चेंज हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम एल लगाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है जी, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। यहाँ पे क्या है जी, स्टेट चेंज हुआ है तो क्या लगाएंगे, एम एल लगाएंगे। अगर जिन भी बच्चों को जो भी ट्राई करेंगे ये अगर सोच रहेंगे कि मेरा पहला लेक्चर है, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर प्रीवियस लेक्चर देखे जी, और तो ही समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है जी। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो एम एस डेल्टा टी लगाएंगे, अगर स्टेट चेंज होगा, देखिए आइस से क्या हो गया जी, पानी हो गया, तो एम एल फार्मूला लगाएंगे। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या लगेगा, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे एस क्या होता है जी, देखिए आइस है, आइस के लिए एस क्या होता है जी, आइस के लिए एस क्या होता है जी, यहाँ पे हमने अभी याद कर रखा है, कितना याद कर रखा है जी, वन होता है, हाफ होता है। आइस के लिए कितना होता है जी, हाफ होता है। आइस के लिए देखिए यहाँ पे क्या होता है जी, आइस के लिए क्या होता है, बर्फ की विशेष उसमें क्या होती है, हाफ होती है। कैलोरी में मैं, कैलोरी में मैं बात कर रहा हूँ जी, कैलोरी में क्या होती है, हाफ होती है जी। और वाटर क्या होता है, वन होता है जी, कैलोरी पर ग्राम। तो इस बात को याद रखना जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमें क्या है जी, एम एस डेल्टा टी, तो एम एम कितना है जी, 5 ग्राम है। एस क्या है जी, एस होता है वन होता है, किसके लिए, वाटर के लिए। आइस के लिए क्या होता है, हाफ। डेल्टा टी कितना है जी, तो 20 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 से 0 आया तो कितना आ जाएगा, 20, तो 10, तो क्या हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, कैलोरी आएगा जी। चलिए यहाँ पे आ गया एम एल, देखिए जी यहाँ पे लिया लाएंगे एम एल, तो क्या हो जाएगा, एम एल कितना है जी, 5 ग्राम ही है, 5 ग्राम आइस क्या हुआ है। अब स्टेट चेंज करने के लिए एल जो है किसे, आइस से वाटर हो रहा है जी, आइस से वाटर हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है जी। ठीक है, तो 8 25 40 यानी 400 कैलोरी हो गया जी। अब देखिए यहाँ क्या है, 0 से 100 हुआ है, तो एम एम क्या है जी, 5 ग्राम है। एस कितना हुआ है, स्पेसिफिक हीट अगर वाटर की बात ले जाए तो 1 होता है जी, क्या होता है, विशेष उष्मा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रखा है। देखिए यहाँ पे एस मैंने हाफ रखा था, यहाँ पे एस मैंने क्या रखा, 1 रखा है, ये वाटर का है, क्या है, आइस का है। अब डेल्टा टी कितना हुआ है जी, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 500 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये एम एल, एल एम क्या है जी, 5 ग्राम है, एल क्या होगा जी, 540 होता है, 540 किसके लिए होता है, जब वाटर वेपर में जाता है तो 540 होता है जी एल के वैल्यू। तो यहाँ से निकालिए, 5 × 20 25 × 2 27, तो 2700 500 450। ठीक है जी, यहाँ से देख सकते हैं 2700 9 36 3650 यानी 3650, सबको क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3650 कैलोरी आएगा। तो आंसर देखते हैं जी, 3650 है कि नहीं, 3650 कैलोरी है जी। तो यहाँ से देखते हैं ये स्टेप स्टेप इसने भी सॉल्व कर रखा है, ऐसे ऐसे हमने वही फॉर्मूला लगाया जी। हम क्या किए, हम इस डायग्राम से बनाए, देखिए उसी डायग्राम को बनाए, इसमें तो क्या बोल रहा है जी, 0 से 0 डिग्री क्या है, 0 से 0, देखिए यहाँ पे -20 डिग्री से 5 क्या है जी, 0 डिग्री टेम्परेचर पर आया, फिर से 0 से 0 वाटर में आया है, फिर से 0 वाटर से 100 डिग्री टेम्परेचर पर आया है, हमने उसको डायग्राम से बना रखा है, उसने क्या किया है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रखा है। इसको समझिएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है, नहीं विश्वास हो तो आप जाइए स्पार्क पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन के प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए, टेक्निकल के, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार आया, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इसको समझे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन को समझाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 kg का बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलवाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 1 kg दिया है, क्या दिया है, आइस दिया है। इसको कह रहे हैं कहाँ कन्वर्ट करना है जी, इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, तो 100 डिग्री वेपर में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड किस में ले जाना है जी, वेपर में ले जाना है। ठीक है जी, तो हमको यहाँ पता चल गया 2 स्टेट, अब क्या करेंगे जी, हम अब कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। तो देखिए क्या करेंगे, 0 डिग्री से हम क्या करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, तो क्या करेंगे, 0 डिग्री क्या करेंगे जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इसको बना दें, 0 डिग्री वाटर बना दिया तो क्या होगा जी, अब इसको 100 डिग्री क्या बना दें, वाटर बना लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, अब 100 डिग्री वाटर से क्या करें, 100 डिग्री वेपर में कन्वर्ट कर लेंगे जी। अब फार्मूला देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो एम एल का फार्मूला लगेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एम एस डेल्टा टी वाला लगेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो एम एल का फार्मूला लगेगा। चलिए जी यहाँ पे एम आइस का एम क्या होता है जी, आइस का एम क्या होता है, तो 80 होता है। एल एल क्या है जी, सॉरी ये मास है ना, मास क्या होता है, मास कितना है, 1 kg है, तो 1000 ग्राम हुआ ना,
1000 ग्राम, इसको क्या चेंज करेंगे जी, ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आता है वो ग्राम के अनुसार होता है। एल जो होता है क्या होता है, 80 कैलोरी होता है पर ग्राम के हिसाब से होता है, तो क्या हो जाएगा एम एल इतना हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पे एम एस डेल्टा टी, एम क्या है जी 1000 है, एस क्या होता है 1000 है, एस क्या है जी स्पेसिफिक हीट क्या है वाटर का, वाटर का क्या होता है स्पेसिफिक हीट 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी कितना हुआ तो 100 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ जी। अब देखिए वाटर का हुआ है एम कितना है जी, तो 1000 ग्राम है, एल क्या हो जाएगा 540 होता है जी, वाटर से जब वेपर में जाते हैं तो 540 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हमको क्या मिला जी, ये 80 किलो कैलोरी है, ये क्या हो जाएगा 100 किलो कैलोरी हो जाएगा, ये 540 किलो कैलोरी हो जाएगा जी। तो जोड़ सकते हैं 540 64 8 72 यानी 720 किलो कैलोरी टोटल, तो यहाँ से देख सकते हैं 720 टोटल आया जी, 720 यहाँ पे किलो कैलोरी आंसर है। तो देखिए हमको बनाने में यही समझना है कि हम किस तरह बना रहे हैं जी। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को समझ रखा है तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले वाले जो भी वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ और देखें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म की जो बुक है आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है जी, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं। मैं इसी को रेफरेंस लेकर पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी दिए हैं, मैं उसको भी क्या कर रहा हूँ जी सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन आता है कि हम लोगों से कंसेप्ट क्या है जी इसका उल्टा है। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला बना रहा था इससे पहले, हमने बर्फ या देखिए बर्फ या जल के मिश्रण से कुछ भी बना रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हमारा जो फॉर्मूला था। अब इसने क्या क्या रखा है कि अलग अलग केस बना रखा है कि बर्फ और जल को मिलाने से ये फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला लगाना, वो लगाना। हमको ये कुछ भी नहीं याद करना जी, कुछ भी नहीं, हम ये चारों टाइप का याद ही नहीं करेंगे, हम तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो हमको ये इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल काट दीजिए, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, हमको रटने की जरूरत ही नहीं है, हम कंसेप्ट याद करेंगे, बाकी रटने के काम क्या है जी, रटने का काम मेरा है ही नहीं, रटने का तो किताब वालों को राइटर वालों को जरूरत है, हम तो लॉजिक पढ़ेंगे और लॉजिक से ही बनाएंगे जी। याद रखिए लॉजिक से अगर पढ़िएगा, आपको भी पता है कि बहुत सारे चैनल्स हैं लेकिन किसी के पास ये लॉजिक नहीं है जी, लॉजिक उन्हें आएगा ना जिन्हें नॉलेज रहेगा, तो नॉलेजफुल पर्सन से पढ़ने में यही फर्क होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बोला है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए अभी ये क्या है जी बर्फ और जल के मिश्रण को अलग अलग इक्वेशन दे रखा है उसको बनाएगा, हम तो उसी इक्वेशन से बना रहे हैं जी। देखिए क्या -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है 25 ग्राम क्या है जी आइस है, 25 ग्राम क्या है जी आइस है, इसको कह रहा है कहाँ बदलने के लिए, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बनी जाएगा, -20 डिग्री 25 ग्राम बर्फ को 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 200 पानी के ग्राम को मिलाने जाए तो मिश्रण का तापमान क्या होगा जी। तो देखिए अब बोला कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 ग्राम वाटर को क्या किया है जी मिलाया गया है, वाटर को मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान क्या होगा, मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इसको मान लेते हैं कि जो ये आइस है, ठीक है जी ये आइस है, तो आइस को मानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर गया जी, ठीक है इसका जो एनर्जी लॉस होगा, इसका जो एनर्जी लॉस होगा जिससे टेम्परेचर घटेगा तो ये एनर्जी देगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा एनर्जी लेगा, तो ये जो एनर्जी लिया और ये क्या होगा उसके बाद ये क्या होगा इसका टेम्परेचर जो घटा हो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये आइस है, ये क्या है जो वाटर है, तो अब मानते हैं कि ये आइस का टेम्परेचर बढ़ा, फिर से आइस क्या होगा वाटर में बदला, तो ये एनर्जी दोनों फेज में लेगा, दोनों फेज में लेगा ना जी, और ये क्या होगा ये एनर्जी देगा, इस बात समझिएगा। ये आइस है, आइस क्या करेगा जी अपना टेम्परेचर राइज करेगा उसमें भी एनर्जी लेगा, और आइस से जब वाटर में चेंज होगा तो उसमें भी एनर्जी लेगा, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा तो इसके द्वारा मिलेगा जी। तो चलो अभी याद कर लेते हैं जी, हम मान लेते हैं कि क्या है कि -20 डिग्री से 0 डिग्री में आए, 0 डिग्री से आए जी, अब यहाँ से क्या हुआ हमको आइस में आए, अब 0 डिग्री से क्या होगा जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा अब वाटर में चेंज हुए, तो देखो इसका मतलब वो वाटर में चेंज हुए तो इसका मतलब हुआ कि अब जो भी टेम्परेचर आएगा, अब जो भी टेम्परेचर आएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या आएगा ज़्यादा आएगा, अगर उससे कम आता है तो हम क्या करेंगे उसको जीरो मान लेंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या किए एम 25 ग्राम है जी, 25 ग्राम जो है एम टेम्परेचर कितना हुआ एस, एस क्या होता है जी हाफ होता है, इसका क्या होता है एस क्या होता है जी आइस का हाफ होता है, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है जी -20 से कितना है 0 आया तो 20 है एम एस डेल्टा टी, यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से क्या हो जाएगा
वाटर में चेंज होगा तो एम एल का फॉर्मूला रहेगा। एम कितना है जी, तो 25 ग्राम है ना। एम एल, एल क्या होता है जी, आइस से बर्फ में चेंज होता है, तो एल क्या होता है जी, तो 80 कैलोरी होता है जी पर ग्राम होता है। तो इस इतना एनर्जी हमको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि 0 डिग्री वाटर पे आए, ठीक है जी। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना मिला हमको 10, तो 250 25 गुना 90, 0 25 नंबर 225, यानी हमको कितना चाहिए एनर्जी जी, 2250 एनर्जी चाहिए। तो देखते हैं कि 2250 क्या ये एनर्जी दे सकता भी है कि नहीं दे सकता है जी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना जी। तो देखिए अगर मानते हैं कि इसका पूरा का पूरा एनर्जी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 ग्राम अगर वाटर रिलीज करता है, 0 डिग्री पे आ रहा है, तो कितना देगा जी, एम एस डेल्टा टी। तो एम कितना है जी, 200 ग्राम है। एम एस, एस क्या होता है जी वाटर का, एस वाटर का 1 होता है, एम एस डेल्टा टी कितना 60, तो 12,000 कितना हुआ जी, 60 × 12,000 हमको कितना चाहिए था जी, 6 × 12 तो 12,000 दे सकता है। इसको कितना एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी 2250 ही चाहिए, इसका मतलब ये ज़्यादा अभी और भी इसके पास एनर्जी है। तो इसका मतलब हुआ क्या होगा जी, ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर था उससे क्या होगा कि टेम्परेचर अब क्या होगा, राइज होगा जी, क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इतना मान लेते हैं कि 2250 प्लस कुछ एनर्जी क्या हुआ, इसको टेम्परेचर राइज होने में कितना है, एम एस, एम क्या है जी 25 ग्राम, एम एस कितना है जी, अब वाटर से हो गया है तो 1 हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो जाइए, मान लेते हैं कुछ ही टेम्परेचर टी पे चला गया, किसी टेम्परेचर टी पे चला गया, तो टी माइनस 0 इतना टेम्परेचर पे चला गया, और उस ये वाटर क्या हुआ है कि उस टेम्परेचर पे आया है जी, उस टेम्परेचर पे आया है तो क्या हो जाएगा, तो 200 ग्राम एम एस, एस क्या हो जाएगा 1 होता है वाटर के लिए, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया था, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 60 − t लिखेंगे जी, 60 − t लिख दिए। चलिए जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने ये देख लिया कि क्या है ज़्यादा एनर्जी है कि नहीं, उससे अगर कम रहता तो क्या होता, उधर ही आइस ही रहता, क्या होगा, वाटर नहीं बनता। चलिए जी ये क्या हो जाएगा, तो 2250 25 t − 0 बराबर कर दो 200, यानी 12,000 माइनस 200 t। अब ये t इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 225 t इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12,000 में से घटा देंगे 2250, 0 × 10 = 5 गया 5, यहाँ बच्चा 9, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 2 गया 9 बट्टा 225, तो ये मेरा टेम्परेचर आया जी, ठीक है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 × 75 = 22, 25 × 0 = 25 × 3 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 = 39, 39 =
आंसर देखते हैं। देखिए क्या है जी, उतना ही है ना, 390/9, तो अप्रोक्स आ गया ना मेरे पास आंसर। तो हमने देखिए जी कितना आसान है, हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब उसने क्या किया, एक फॉर्मूला लिख रखा है, आप उसको रटवा रहा है, तो उससे कोई नहीं है। देखिए अभी पहला क्वेश्चन था, इसको समझिएगा, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमको टाइम लगा जी। चलिए अब इसी को मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जी, फिर से उसमें क्या है जी, अब बोला कि क्या है जी, वाष्प बर्फ है और वेपर है, उसको मिश्रण करने के लिए क्या है जी, एक फॉर्मूला दे रखा है और बना रखा है। हम उसको याद ही नहीं करेंगे जी, हम तो लॉजिक से बनाएंगे। देखिए कैलकुलेशन आपको पता चल रहा होगा, कैलकुलेशन हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को, तो कैलकुलेशन तो सभी कोई करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी कोई करेगा जी, इसलिए इस बात पर आप फोकस ज़्यादा ना करें। चलिए जी, बोला है कि इसमें आइस है और क्या है जी, आइस है और क्या है, वेपर है, उस दोनों को मिलाने पर क्या होगा फाइनली। तो देखिए बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है जी, 800 ग्राम आइस लिए हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 ग्राम क्या लिखे हैं जी, जलवाष्प लिए हैं, वेफर लिए हैं, प्रवाहित की जाती है, तो मिश्रण से क्या बनेगा जी, मिश्रण से क्या बनेगा, पानी बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, टेम्परेचर हमको पता चल गया था 43 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो इसका मतलब क्या था, वो वाटर था। चलिए अब बोला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 800 ग्राम क्या है जी, आइस है, तो इसका मतलब हुआ इसको कन्वर्ट कहाँ करना हमको, तो इस दोनों को मिलाना है, सॉरी इसको मिलाना है आइस को किससे जी,
200 ग्राम क्या है जी, वेफर है, इस दोनों को मिलाएंगे कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मिलाने से क्या बनेगा ये बताना है जी। तो देखिए अब हमको इतना सिंपल हो गया, यानी हमको टेम्परेचर भी बताना है और स्टेट भी बताना है जी, इसमें क्या बनेगा फाइनली। तो देखिए कितना क्वेश्चन आसान है, हम क्या करते हैं जी इसको मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है जी, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अभी 0 आइस है, तो 0 से आइस से वाटर बनेगा तो क्या हो जाएगा जी, 0 क्या हो जाएगा, 0 आइस से 0 वाटर बनेगा तो स्टेट चेंज हो रहा है, तो ML का फॉर्मूला लगेगा ना, ML तो ML क्या होता है जी आइस के लिए, हाफ। L क्या है जी, 80 होता है, L क्या होता है जी, 80 होता है, तो ML सॉरी M मतलब मास है जी, तो M क्या है जी 800 ग्राम है, L क्या होता है जी, तो इसके लिए आइस के लिए क्या होता है, तो आइस से वाटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आइस से अगर वाटर में जाएगा तो क्या होगा जी, आइस से वाटर में जाएगा तो 80 होता है जी, आइस से वाटर में जाएगा तो देखिए क्या होता है जी, 80 होता है, हमने ये डेटा याद जरूर करना है जी। तो ML, मैं गलती कर रहा हूँ, 800 ML ठीक है जी। तो अब ये हमें क्या मिला जी, आइस से क्या हो जाएगा, वाटर होगा। अब वाटर पे मान लेते हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा क्या हो जाएगा, मान लीजिए टी पे हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एम कितना है जी, 800 ग्राम है। एम एस क्या होता है जी वाटर के लिए, 1 होता है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी माइनस 0 क्या होता है, टी होता है, बराबर ये जो एनर्जी मिला इधर से क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी देगा ये एनर्जी लेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने मान रहा हूँ कि टी पे आया है तो क्या होगा जी, तो 200 ग्राम एस क्या होता है जी, ये 100 डिग्री क्या है, वेफर है, 100 डिग्री क्या है जी, वेफर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेफर है, तो इसको पहले किधर आना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आना पड़ेगा, वाटर में आना पड़ेगा, तो भी एनर्जी रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा जी, स्टेट चेंज हुआ, तो ML क्या होता है जी, 540 होता है, प्लस 540 प्लस MS डेल्टा टी, तो M क्या है जी, 200 ग्राम MS डेल्टा टी क्या हो जाएगा, S क्या होता है जी, वाटर के लिए 1 ही होता है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर टी पे आया है तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस टी आया जी, 100 माइनस क्या आया हुआ, टी आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमको, 8×64 किलो, 10³ को किलो में लिख रहा हूँ जी, ठीक है ना, पता है किलो नैनो ये सब माइक्रो तो याद ही आपको होगा, 800 टी बराबर ये 54 किलो हो जाएगा, प्लस 20 के हो जाएगा ये भी किलो, माइनस 200 टी, 200 टी 1000 टी हो जाएगा जी, एक के, तो ये क्या हो जाएगा, 54 और 20 74, 74 4 78 13 138 के, ठीक है जी। तो 1000 के से किया गया, टेम्परेचर क्या आ जाएगा जी, गड़बड़ हो गया क्या, कुछ यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ तो देखिए ये क्या हुआ है, 54 × 2 क्या हो जाएगा, 128 के होगा जी, ये गड़बड़ हुआ है, 128 के है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 200, हाँ तो 200 यानी 20 के माइनस 200 टी, ठीक है, तो ये एक कुल मिला के यहाँ पे गड़बड़ हुआ था जी। तो चलिए ये 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 800 1000 टी हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा जी 64 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 64 64 64 20 84 के, ठीक है जी। अब इसको 1000 से हम काट देंगे तो हमको आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसको लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले जाएंगे अगर इधर तो ये हो जाएगा आपको 128 के माइनस 64 के, तो ये क्या हो जाएगा, 64 के, ये 1000 टी, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो टी क्या आ जाएगा, 64 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया जी, कितना आ गया, 64 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अब क्या है, 64 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हुआ है जी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं क्या है जी आंसर, क्या है, 64 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है जी, वो वाटर।
वाटर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन क्या क्या है जी, बहुत सिंपल बना रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप इस लॉजिक को नहीं समझिएगा तो आपको हर एक, देखिए अब यहाँ पे जल और क्या है जी, जल के मिश्रण को फिर से मिलाया है तो इसके लिए एक अलग फार्मूला बना रखा है। अब बताओ कितने लड़के बेवकूफ हैं कि चार पांच स्टेट के लिए अलग अलग फार्मूले याद करेंगे, उसको समझेंगे। जब एक कंसेप्ट से क्वेश्चन हो रहा है तो लड़कों को समझने में दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत क्यों आ रही है? लॉजिक लगाइए, क्वेश्चन को बनाइए। और क्वेश्चन तो आएगा ही जी, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर कोई सोच रहा हो कि इसको मैं निकल जाए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, बोल रहा है कि 30 डिग्री, क्या बोल रहा है जी, 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 kg पानी को मिलाया है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड को, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कितने पानी को, तो 500 ग्राम पानी को मिलाया है जी। और मिश्रण का क्या पूछ रहा है जी, तापमान पूछ रहा है। तो देखिए अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 kg का है वाटर है जी, कितने डिग्री, अच्छा 80 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना, 500 ग्राम को मिलाया है जी, मिलाने को बताया मिश्रण का तापमान। देखिए अब ये भी वाटर, ये भी वाटर है तो वाटर ही रहेगा फाइनली। तो देखिए इसका मान लेते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो एम 2000 है जी, एस क्या है था 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 30 के बाद कोई टेम्परेचर टी पे आ गया तो टी माइनस 30 इतना टेम्परेचर राइज हुआ। ये जो एनर्जी मिला है कहाँ से मिलेगा, तो ये एनर्जी देगा तो एम, एम कितना है जी 500, एम एस, एस क्या होता है 1, डेल्टा टी कितना हो जाएगा तो 80 माइनस टी, इतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा ये देगा, इतना एनर्जी ये देगा, इतना एनर्जी ये लेगा। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4T-120 इजकल टू 80 माइनस टी, तो क्या मिलेगा यहाँ से, इधर जाएगा तो 200, इधर क्या हो जाएगा 50, टी क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तापमान पर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा जी, वाटर का मिश्रण हो जाएगा। तो देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्या है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका जो है कैलकुलेशन पार्ट अपने से करें जी, लॉजिक मेरा जरूर लगाएं, लॉजिक मेरा जरूर लगाएं, लेकिन आप कैलकुलेशन पार्ट क्या है जी आप अपने से खुद करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगले वाले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे जल और जलवाष्प के मिश्रण को। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी प्लीज़ आप जाके प्रीवियस लेक्चर मेरा देखें, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगले लेक्चर, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।